अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पूड़ियाँ बनाने की रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है, परात के अंदर 1 कप पानी डालूंगी। तीन चम्मच दही के डालूंगी इसके अंदर। और एक चाय का चम्मच नमक का। नमक भी इसके अंदर डाल देंगे। और हाथों की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लूंगी। अब इसके अंदर मैं मैदा डाल दूंगी। 2 किलो मैदा लिया है मैंने यहाँ पे, वो इसके अंदर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से मैं इसे मिक्स करूंगी। जब दही के पानी से आटा बिल्कुल मिक्स हो जाए, फिर हम इसे पानी के साथ गूंथेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, नॉर्मल पानी जो होता है, ना गर्म लेना है ना ज़्यादा ठंडा लेना है, नॉर्मल पानी हो उसके साथ इसे गूंथ लेंगे। वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के कितना गूंथना है इसे। ये देखिए ऐसा हो जाए, ये अब गुन चुका है। अब हम इसके पेड़े करेंगे। पेड़े करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, हाथों को लगा लूंगी और छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे। ये देखें इतना इतना पेड़ा हो। सरफेस पे पहले लगा लेंगे ऑयल, ग्रीस कर ले के इसे, ताकि ये चिपके ना नीचे। और यहाँ पे अब हम अपने पेड़े रखेंगे ऐसे, ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि ये खुशक ना हो ऊपर से। सारे पेड़े इसी तरह हम बना लेंगे। जब सारे पेड़े बन जाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि 2 किलो में कितने पेड़े बन के तैयार हुए हैं। ये देखें 55 पेड़े बने हैं हमारे 2 किलो मैदे में। ये डिपेंड करते हैं आपके पेड़े के साइज पे, अगर छोटे हो तो ज़्यादा बन सकते हैं, बड़े हो तो कम बनेंगे। अब इसे हाथों की मदद से फैला के, और हाथों के साथ ही हम तो बेलते हैं तो हम हाथों से ही इसे बढ़ा लेंगे, आप बेलन के साथ बेल भी सकते हैं। अब फ्राई कर लेंगे। घी को तेज आंच पे हमने रखना है, और अच्छे से जब गर्म हो जाए उसके अंदर अपनी पूड़ियाँ डालें और फ्राई कर लें। जल्दी से पलटिएगा वरना यह जल जाती है। एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह जल्दी जल्दी से ऊपर ऑयल डाल के फिर पलट लेंगे इसे। इसी तरह हमने सारी पूड़ियाँ बना के रख ली हैं।
ये बहुत ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।